सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ चल रहे मीटू कैंपेन से इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी। ये कहना है मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ राजीव कुमार स्वामी का। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने। अभी मीडिया में जो पढ़ने में आया है ऑटो कंपनीज की ये है शिकायत कि प्रीमियम्स काफी अनमैनेजेबल लेवल्स पे पहुंच गए हैं और इसी के तहत जो पर्सनल एक्सीडेंट का कवर IRDA ने भी मैंडेट किया था कि 3 साल और 5 साल के लिए करना है, उन्होंने ये रोल बैक किया कि एक चॉइस कस्टमर को देने चाहिए और उसी के हिसाब से थोड़ा सा ये मैनेजेबल हुआ है। पर हाँ, अभी तो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, वो कंज्यूमर्स ज़रूर कंप्लेन कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, ये जो DoD इंश्योरेंस होता है, क्या आपकी कंपनी भी उस कारोबार में है? और अभी हमने देखा है पिछले दिनों कई सारे मामले सामने आए हैं मीटू कैंपेन के थ्रू, तो आपको लगता है कि इसके बाद ये इंश्योरेंस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी? आज की तारीख में ये जो हैशटैग मीटू है, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो जो अपने डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज लेते हैं उसमें नॉर्मली एक सब सेक्शन होता है जिसको एम्प्लॉई लाइबिलिटी प्रैक्टिस इंश्योरेंस बोलते हैं। इसमें पहले भी बड़े IT कंपनीज में क्लेम्स आए हैं और इसमें क्लेम्स पे आउट हुए हैं। आज की तारीख में जो नया कंपनी बिल आया है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, इसके हिसाब से मेरे हिसाब से DNO की कवरेज बढ़ेगी और ये जो EPLI कवरेज बोलते हैं इसकी भी बिक्री बढ़ेगी।